खान भाई बाहर बीबी जी आई हैं, आप उनसे एक बैग ले आइए। हेलो एहसन साहब, आपकी अमानत आप तक पहुंच गई है। हाँ, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं थी। वैसे जरूरत थी, जब कोई रिश्ता ही नहीं रहा तो फिर निशानी भी नहीं रहनी चाहिए कोई। ओके। मैंने तुमसे कहा था ना, मैं खाली दावे नहीं करता, मिल आया हूं शहजाद से। झूठ बोल रहे हो तुम, क्योंकि अगर ऐसा कुछ भी तुमने किया होता तो वो मुझसे जिक्र करते। उन्होंने तो मुझसे ऐसी कोई बात नहीं की। तुम्हारे सर की कसम। चलो अगर तुम सच में सही कह रहे हो तो फिर उन्हीं से रकम लेके अपनी जेब भर लेनी थी, मुझे क्यों फोन कर रहे हो? मैंने सोचा कि पुरानी यारी का ख्याल ही रख लो। क्या मतलब? मतलब ये कि अभी कुछ बताया नहीं है मैंने, सिर्फ सलाम दुआ ही है, लेकिन कभी भी बात आगे भी बढ़ सकती है। मैं क्या करूं? देखो अभी भी वक्त है, सोच लो, मुझसे सौदा कर, वरना मैं शहजाद को जाके सब कुछ सच सच बता दूंगा। सुनो, मैं तुम्हें पहले ही लाखों दे चुकी हूँ, मेरे पास अब और कुछ भी नहीं है तुम्हें देने के लिए। मुझे कुछ भी नहीं दिया शहजाद ने। नो 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 नो, जो गुजर गया उसे भूल जाओ, वरना मुझे भी बहुत से पुराने खाते खोलने पड़ेंगे। अभी सिर्फ शहजाद के सामने जबान ना खोलने की बात हो रही है, तो उसका सौदा करो, वो भी नकद। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? सिर्फ 3 लाख रुपए। मैंने तुम्हें अभी तो बताया, मुझे शहजाद ने कुछ भी नहीं दिया। शहजाद ने नहीं दिया तो क्या हुआ? एहसन ने तो दिया होगा, आजकल तो उससे बड़ी लंबी लंबी मुलाकातें चल रही हैं। क्या करती हो तुम? मेरी जासूसी करने से बात नहीं आए ना? क्या करूं, तुमसे मोहब्बत ही इतनी करता हूं, ख्याल रखना पड़ता है तुम्हारा। तुम जैसी उड़ती चिड़िया के पर गिनना मजाक बात नहीं। मैं फोन रख रही हूँ। बंद करना है, कर दो, लेकिन ठंडे दिमाग से एक बात सोच कि मैं शहजाद के साथ साथ एहसन के पास भी जा सकता हूँ। अभी अम्मी आ रही है, फिलहाल मैं फोन रख रही हूँ, तुम खुद मत करना मुझे कॉल। मैं इंतजार करूंगा तुम्हारा। बाय बेबी।